Welcome to today's video and welcome to our YouTube channel. Hope you're doing good, guys. I'm back with another haul video and today I'm going to share with you a new website whose name is Kachli.com. So, Kachli.com, you will get ethnic wear like sarees, suits, lehenga, kurtis, gown, bridal lehengas. So, here you will get prepaid and COD both options. And when you try a new website, you think that there should be a COD option. So, you know, we safe peel there. करने के लिए सो यहां पे सीडी ऑप्शन है एंड रिप्लेसमेंट ऑप्शन भी है लाइक आपको एक्सचेंज और रिटर्न करना है तो 7 डेज के अंदर आप एक्सचेंज एंड रिटर्न भी कर सकते हैं सो लिंक वगैरह आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो वहां पे आप एक बार जाके चेक कर लें अगर आपको ये आज का हॉल पसंद आता है और आज की जो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर वो पसंद आती है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं लहंगास एंड सारीज मैंने यहां से पिक किया है जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी मुझे कैसा लगा एंड प्राइस मुझे कितनी पसंद आई नहीं आई तो गाइस मुझे यूनिक चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लाइक अगर कुछ भी डिफरेंट होता है या थोड़ा सा भी अलग होता है वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो इनके वेबसाइट में मुझे कुछ ऐसी सारीज और कुछ ऐसा लहंगास थे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और बहुत ज्यादा यू नो मैं अट्रैक्ट हो गई क्योंकि मुझे यूनिक चीज बहुत ज्यादा पसंद है डिफरेंट पहनना किसको पसंद नहीं है आपको भी होगा एंड मुझे भी है और मुझे यूनिक चीजें तो बहुत ज्यादा पसंद आती है तो एक दो लहंगा मुझे बहुत यूनिक लगी अभी तो मैंने एक यूनिक लहंगा और एक ब्राइडल लहंगा इस टाइप की चीजें पिक की है चेक करने के लिए और अगर ये वेबसाइट पसंद आती है तो मैंने सोचा मैं बाद में और भी अच्छे से कलेक्शन आपके साथ लेकर आऊंगी सो मैं शेयर करने वाली हूँ इतनी सारी कचली के कपड़े जो कि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एंड वीडियो सो फर्स्ट लहंगा मैं आपको दिखा रही हूँ वो येलो कलर की फ्लोरल लहंगा है एंड जब येलो कलर की बात आती है तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि येलो मेरी कमजोरी है लाइक मुझे येलो कपड़े चाहिए ही चाहिए सो फर्स्ट लहंगा ये है ये फ्लोरल प्रिंटेड फॉक्स जॉर्जेट लहंगा चोली है एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत येलो कलर है और उस पे बनी हुई है ये रेड कलर की फ्लावर्स रेड एंड ग्रीन कलर्स की लाइक ये सेमी स्टिच लहंगा है सो मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से ये चुनर चुनर बनी हुई है यहाँ पे प्लेट्स देखिए बहुत ही छोटी छोटी प्लेट्स और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेट्स है तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी घेर कितनी होगी सो ये इसकी घेर है और ये सेमी स्टिच है आपको इसे स्टिच करानी पड़ेगी और नीचे से देखिए इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है और रीज़न है कि येलो है बहुत ही ब्राइट कलर है बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इसके साथ यहाँ पे ये लाइनिंग भी आती है सो ये लाइनिंग है सो सी थ्रू का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है फ्लेयर मुझे इसकी काफी पसंद आई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो अगर आपको कोई डाउट हो उस लहंगे के लाइक मटेरियल कितना है और लाइक कपड़ा कितना है मटेरियल कौन सी है तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप जाकर एक बार लिंक पे क्लिक करके चेक करें एंड ये लहंगा है और इस लहंगे के साथ सेम प्रिंट्स और सेम मटेरियल की ये श्रग आती है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ब्यूटीफुल है सो ये आपको स्टिच कराने की जरूरत नहीं है ये फुली स्टिच्ड है ये और कुछ इस तरीके से इसकी स्लीव से और आप देख सकते हैं कि मटेरियल आपको मैं बहुत ही जूम करके क्लोजअप दिखा रही हूँ कि कोई भी अगर आपको डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लहंगा है ये और ये फुल लेंथ की है ये पहनकर बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है और कुछ डिफरेंट है लाइक श्रग के साथ लहंगा इन दिनों बहुत इन है और ये बहुत ही गर्ली काइंड ऑफ लहंगा है लाइक अगर आप किसी की हल्दी अटेंड करना चाहते हो तो ये बेस्ट लहंगा मैं कहूंगी और मुझे मन कर रहा है कि किसी की हल्दी हो और मैं जल्दी से इसे पहन कर जाऊं मुझे ये इतना ज्यादा पसंद आया ट्रस्ट मी गाइस मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी एंड उसके साथ मिलेगी आपको ये ब्लाउज का कपड़ा जो कि अगेन येलो कलर में है एंड सेम प्रिंट्स की जो लहंगा में प्रिंट्स बनी हुई है ना उसका थ्रेडवर्क यहाँ पे की हुई है ये आप देखें कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज का कपड़ा है और जो थ्रेडवर्क है वो बहुत ही ज्यादा फाइन है नीट एंड क्लीन है यहाँ पे आप देखिए कोई भी धागा आपको निकला हुआ नजर नहीं आएगा बहुत ही ज्यादा सुपर फाइन वर्क यहाँ पे की हुई है जब मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल कंपेयर टू लहंगा और श्रग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा सा बेटर और देते तो यू नो मैं और ज्यादा खुश हो जाती बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग क्योंकि जिस प्राइस में मिली है और उस प्राइस के हिसाब से मटेरियल बहुत अच्छा है डिजाइन बहुत यूनिक है बहुत ऑसम है और लहंगे की फ्लेयर भी बहुत अच्छी है तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस पे आप इनर लाइनिंग जब लगाओगे स्टिच कराओगे तो ये भी बहुत अच्छी लुक देगी सो इस पे आपको एक और कलर ऑप्शन मिलेगा क्रीम एंड पिंक कलर की तो वो एक बार चेक कर ले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो अगर आपको वेडिंग में पहनना तो वो कर सकते हैं और अगर आपको हल्दी में पहनना है तो आप येलो कलर भी ले सकते हैं
पा रही हूँ ये साड़ी, एंड ये पिच कलर की सीक्वेंस साड़ी है। लाइक आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये ब्लिंक कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस कलर, बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस साड़ी है। एंड कुछ इस तरीके से ये साड़ी लग रही है, लाइक आप देख सकते हो बहुत ही लाइट पिच कलर है ये। एंड पूरी सीक्वेंस वर्क है, लाइक पूरी साड़ी में ही आपको सेम वर्क मिलेगी जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। मटेरियल हेवी जॉर्जेट है जिसपे मेंशन है। सो ये प्लेन यहाँ से आती है प्लेन। सो पूरी साड़ी पे इस तरीके से सीक्वेंस वर्क है, और मैं एक बार आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ लाइक इस तरीके से। एंड इस पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक अगर आपको डार्क कलर चाहिए, ब्लू, पर्पल, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं, तो एक बार उनके वेबसाइट में आप ज़रूर से चेक कर लें। सो सीक्वेंस अभी बहुत ज़्यादा फैशन में है, और अभी आप इजीली इसे कैरी कर सकते हैं लाइक फैब तक, क्योंकि फैब तक वेदर बहुत ही ऑसम होता है। सो ये मुझे मिली अप्रॉक्स 2100 रुपीज़ की। सो मुझे लगता है क्वाइट जस्टिफाई है। रीज़न क्योंकि जब भी आप एक सीक्वेंस टॉप लेते हो तो वो 1000-1500 रुपये की आती ही आती है, उससे कम में आपको नहीं मिलेगी एक अच्छी सीक्वेंस वाली टॉप। सो अगर आपको ये 5 मीटर की फुली सीक्वेंस साड़ी मिल रही है तो मुझे लगता है ये जस्टिफाई है। एंड अगर आप कोई और साइट्स पे भी देखोगे तो अप्रॉक्स वही प्राइस मिलेगी, एंड मार्केट में तो आपको 3000 से कम की नहीं मिलेगी। सो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी, पर कलर ऑप्शन आप जरूर देख लें। एंड उसके साथ आती है ये सैटन की ब्लाउज, सेम कलर की सैटन की ये ब्लाउज है, ये देखिए। सो ब्लाउज की जो मटेरियल है ये कुछ इतनी है, लाइक यहां से ये इतनी ब्लाउज की मटेरियल है, और ये मैं आपको चौड़ाई दिखा देती हूँ, कुछ इतनी चौड़ाई है। सो जब आप ब्लाउज स्टिच करा के पहनते हो तो ये बहुत ही लग्जरियस लुक देगी, और मुझे बहुत ऑसम लगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पहनने के लिए। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही हेवी और बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीन कलर की लहंगा, जो कि फुली वर्क वाली लहंगा है कुछ इस तरीके से। एंड मटेरियल इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जब आप सामने से इसे टच करोगे, या फिर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि मटेरियल इसका बहुत अच्छा है। एंड डुअल कलर की यहाँ पे आपको शाइनिंग वाली ये कपड़े ग्रीन कलर के जो मिलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा ही शीन है, और कुछ इस तरीके से ये पूरे लहंगे में आपको दिखेगी। और नीचे की ओर जो बेस्ट पार्ट है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लाइक बेस्ट डिज़ाइन जो उस लहंगे की है वो नीचे की तरफ है। और मैं ये आपको जूम करके पूरा वर्क दिखा देती हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए कि रियल में कैसी लग रही है। सो कुछ इस तरीके से पूरे जरी का काम है, और ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है। ये बिल्कुल भी चीप काइंड ऑफ नहीं, जब इसे सामने से भी आप देखोगे तो ये बहुत हेवी लग रही है, बहुत लग्जरियस लग रही है, बिल्कुल भी चीप मटेरियल नहीं है, चीप वर्क नहीं है, बहुत ही ऑसम काम है। और लहंगे के फ्लेयर, लाइक ना आप रेडीमेड लहंगा लेने जाते हो जिसका फ्लेयर जितना होता हैवी लहंगा का, उसका फ्लेयर इतना है, चुनर चुनर वाली नहीं है, कलियां बनी हुई है। उसके साथ जो लहंगे में बॉर्डर दी हुई है, लाइक ये बॉर्डर है, ठीक है, और ये जो बॉर्डर है वो ये इस तरीके से, आप इस तरफ से देखिए, बहुत ही हार्ड मटेरियल है, लाइक अगर आपको समझ आ रहा होगा वीडियो में तो ये भी बहुत हार्ड है, बहुत अच्छे से ये फ्लेयर बनाएगी। तो ये भी हार्ड है, उसके साथ ये कैनकन है। मटेरियल भी ऑसम है, डिज़ाइन भी ऑसम है, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, इसे मैंने सेलेक्ट किया। बट अगर आप ब्राइडल के लिए लेना चाहते हो तो आप और भी ऑप्शंस देख सकते हो उस साइट में, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से है, मैं एक बार फाइनल लुक दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको, जो कि आप देखो यहाँ पे कलियाँ बनी हुई है। इस तरीके से आपको ये लहंगा मिलने वाला है, जो कि बहुत ऑसम है। लहंगे के साथ बहुत ही लाइट कलर की दुपट्टा दी हुई है, जो कि बहुत ही ऑसम लग रही है, बहुत अच्छे से कॉम्बाइन कर रही है। सो ये लहंगे का बॉर्डर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर फाइन है, बिल्कुल भी चीप नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ये डार्क ग्रीन के साथ ये सी ग्रीन बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही है, बहुत सुपर फाइन लग रही है। सो पूरे दुपट्टे में आपको चारों तरफ ये बॉर्डर मिलेगी कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे अटैच है इसकी ब्लाउज, जो कि ब्लाउज जो है वो फुल्ली वर्क्ड है, लाइक लहंगा फुल वर्क एंड ब्लाउज पूरा फ्रंट पे बैक पे फुली वर्क। सो बहुत ही स्टिच कराने के बाद ये लहंगा बहुत ऑसम लगने वाला है, ब्राइडल पे भी बहुत अच्छी लगेगी। सो ग्रीन कलर ब्राइडल पे भी बहुत अच्छी लगेगी, बट आप ब्राइडल के सिस्टर हो या फिर कोई रिलेटिव हो क्लोज तो भी बहुत अच्छी लगेगी क्लोज वंस की शादी में। सो आप यहाँ पे देखिए, सो कुछ इस तरीके से ये वर्क बनी हुई है। मटेरियल इसका सैटिन है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है, और सेम वर्क है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्लीव्स देखिए, ये स्लीव्स की डिज़ाइन है, और स्लीव भी फुली वर्क, ब्लाउज भी फुली वर्क,
और लहंगा भी फुली वर्क, दुपट्टा भी बहुत सुपर फाइन, बहुत ऑसम. तो ये लहंगा मैं हाईली रिकमेंड करूँगी. घर पे शादी है और आप चांदनी चौक जैसे जगह नहीं जा सकते हो, दिल्ली मार्केट से शॉप नहीं कर सकते हो, आप दिल्ली से नहीं हो, क्योंकि ऐसे लहंगा मोस्टली आपको चांदनी चौक में मिल जाती है. और अगर आप दिल्ली से नहीं हो, चांदनी चौक नहीं जा सकते हो, तो बिल्कुल ही चांदनी चौक जैसा लहंगा है ये, जो कि आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है, क्योंकि मटेरियल और सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑसम है. स्लीव सेम है, डिज़ाइन आपको ब्लाउज की मैं दिखा देती हूँ. एक तरफ ये डिज़ाइन दी हुई है और बैक की डिजाइन है. सो दोनों तरफ बहुत ही हेवी डिजाइन है, स्लीव्स बहुत हेवी है, ब्लाउज बहुत हेवी है, तो बनने के बाद ये बहुत ऑसम लगेगी. अगर आपके घर में शादी है तो आप इसे 100% ले सकते हैं. मटेरियल, डिजाइन सब कुछ बहुत सुपर फाइन है. एंड तो सारे प्राइस मैं स्क्रीन में दे रही हूँ. एंड अगर आप मार्केट में भी लेते हो ना, तो इससे कम प्राइस में आपको नहीं मिलने वाली है. वो भी एक लहंगा है, बट इस पे भी आपको बहुत कलर ऑप्शंस चुन मिलेंगे, बट मैंने चूज़ करा है ब्लैक कलर, क्योंकि मेरा बहुत मन था ब्लैक कलर में कुछ पहनने का. सो ये बहुत ही खूबसूरत सा जकार्ड का लहंगा है. एंड कॉम्बिनेशन मैंने ब्लैक मंगाया क्योंकि मुझे इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगी. सो कुछ इस तरीके से ये फ्रंट पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से वर्क है. मैं क्लोजअप आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. नीचे डिज़ाइन आप देखो, बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस डिज़ाइन लग रही है. एंड तो ये इनर लाइनिंग है एंड ये अंदर कैनकन है. और कैनकन का मटेरियल जो है वो बहुत, देखो कैनकन का मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है. सो बहुत अच्छे से ये फ्लेयर बनाएगी. और बॉर्डर जो है इसकी, जो लहंगे की है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है. तो इसकी फ्लेयर भी सेम है बनने के बाद, और कैनकन भी दी हुई है. तो सिर्फ आपको स्टिच कराना है. जो कलियाँ वाली इस तरीके से लहंगा होती है, उसकी फ्लेयर नॉर्मली इतना ही आती है, और मार्केट पे भी आपको इतनी ही मिलेगी. लाइक आप उसे अपने वेस्ट के साइज के हिसाब से स्टिच करा सकते हैं. इसके साथ यहाँ पे ब्लाउज अटैच्ड है, लाइक मैंने इसे ओपन नहीं करा है. एंड ब्लाउज का मटेरियल लहंगे के मटेरियल से ज़्यादा बेटर है. लाइक कुछ इस तरीके से आप देखो, मैं फ्रंट से पूरी जूम करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए. सो आई मस्ट से ये बहुत एक्सपेंसिव ब्लाउज मटेरियल है, लहंगे का मटेरियल से ज़्यादा बेस्ट है. सो इस पे कपड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे. लाइक आप इसे फुल स्लीव्स बना सकते हैं, आराम से बनेगी और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है. कॉम्बिनेशन आप देख लो, गोल्डन, ये ब्लाउज है और ये लहंगा है, तो बहुत ही ऑसम लगने वाली है. सिर्फ एक चीज़ मुझे इस लहंगे में थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर रही है, इसका ब्लैक कलर थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर है. लाइक अगर ये थोड़े से डीप ब्लैक होता तो ये मुझे और ज़्यादा पसंद आती है लहंगा. बट मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसके साथ जो बेस्ट पार्ट है लहंगे की, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको. एक ब्लैक कलर में ये मरून कलर की चुन्नी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. सो ये दुपट्टे के साथ है, बेस्ट पार्ट है. और दुपट्टे की आप चौड़ाई देखिए, सो कुछ इतनी दुपट्टे की चौड़ाई है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. और लंबाई की मैं बात करूँ तो लंबाई भी बहुत अच्छी है दुपट्टे की, और बहुत ही खूबसूरत सी मरून काइंड ऑफ ये दुपट्टा है, जो कि फुली वर्क के साथ. सो कुछ इस तरीके का दुपट्टे का बॉर्डर है पूरा, और लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा ऑसम है. लाइक बहुत ज़्यादा है, और मटेरियल जो है इसका बहुत सुपर फाइन है. लाइक लहंगे से ज़्यादा सुपर फाइन दुपट्टा और इसका मटेरियल मुझे लगा. और मैं इसे भी रिकमेंड करूँगी, अगर आपको कुछ इस तरीके का कलर पसंद है, ब्लैक और रेड ढूंढ रहे हो किसी के वेडिंग में पहनने के लिए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. लाइक बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, कलर बहुत बन. इस टाइप का जकार्ड वाला लहंगा आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट स्पेशली मैंने ब्लैक एंड रेड पिक किया, क्योंकि ब्लैक एंड रेड की कॉम्बिनेशन बहुत ही ऑसम लगती है, लोगों को बहुत पसंद आती है, बट बहुत रेयर मिलती है. अगर फुल ब्लाउज स्टिच करा के ये दुपट्टा लेकर आप लहंगा जब ये पहनोगे, तो अलग ही लेवल का लगेगा. आई रियली लव दिस वन. लास्ट आइटम है, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साड़ी है, और मैं आपको दिखाती हूँ.
कुछ इस तरीके से प्लेन साड़ी मैंने ली है और अभी ये आयरन नहीं है, इसे थोड़ी सी कैमरे पे बुरी लग रही है। सो कुछ इस तरीके से पर्पल कलर की साड़ी है, पेपर सिल्क मटेरियल है, ये मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सुपर फाइन है। एंड जिनको भी हेवी साड़ी पसंद नहीं है, लाइक थोड़ा मेरे जैसा लाइट साड़ी पसंद करते हैं, उनके लिए परफेक्ट है। सब आपको दिखा देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए मटेरियल। सो पेपर सिल्क मटेरियल है, कलर देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पर्पल कलर है, पूरी प्लेन साड़ी है एंड साड़ी पे कोई भी डिज़ाइन वगैरह नहीं है। साथ जो बेस्ट पार्ट है जिसकी वजह से मैंने ये साड़ी खरीदा है वो है इसका एथनिक जैकेट। लाइक ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी एथनिक जैकेट है उस साड़ी पे एंड जिसको ये बहुत ही यूनिक बना रही है। तो पूरा मिरर वर्क है, ये देखो आप, पूरी जरी के काम से ये मिरर चिपकी हुई है एंड ये कॉलर नेक के साथ है, स्लीव्स परफेक्ट है एंड मटेरियल इसका वेलवेट है, बेस्ट पार्ट है। लाइक वेलवेट मटेरियल इतना सुपर ब्लैक कलर का फाइन और उसके साथ ये पर्पल कलर की पेपर सिल्क की साड़ी। तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन देखिए कितनी गॉर्जियस लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। लाइक इस पर और भी कलर ऑप्शन मिलेंगे, रेड मरून काइंड ऑफ कलर है, रेड मरून कलर है इस पर, बट मैंने पर्पल चूज किया क्योंकि मुझे कलर बहुत अच्छी लग रही थी और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। मुझे जैकेट्स वेयर करना साड़ियों पर बहुत ज़्यादा पसंद है बट ऐसा कोई ढंग का मिलता नहीं था और जब मुझे ये मिला तो मैंने बोला मुझे ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इस जैकेट को बहुत सारी साड़ीज़ में स्टाइल कर सकते हैं, सूट्स में स्टाइल कर सकते हैं और वेलवेट है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सुपर फाइन है, कहीं से भी आपको नहीं होगी, कोई भी चुभन नहीं है। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूंगी, पार्टीज के लिए परफेक्ट है, कुछ डिफरेंट पहनना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ आती है ये ब्लाउज की मटेरियल एंड ये मटेरियल जो है ये मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ अगर आप इनर लाइनिंग के साथ जब बनती है ब्लाउज तो फिर बनने के बाद ये आपको अच्छी लगेगी। सेम कलर की ब्लाउज है तो सेम ब्लाउज एंड साड़ी ऊपर से ब्लैक जैकेट बहुत ऑसम लगेगी, आप देख सकते हैं, लाइक बेस्ट, आई लव दिस वन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि बहुत यूनिक है और बहुत डिफरेंट है। That's it for today's video, guys. I hope ये नई वेबसाइट और जितने भी आइटम्स मैंने आपको दिखाए आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे ज़रूर से बताएं आपको कौन सी साड़ी या कौन सी लहंगा अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहाँ पर आप एक बार जाके चेक कर लें और जो भी आपको साइज के इस कचली के रिगार्डिंग आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उनके जब वेबसाइट पर जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।